हाय हाय लाइट करा दे मेरे कारवाल में। आपके पास क्लाइंट आएगा सैलून में अपने ब्लॉन्ड हेयर लेके, जिसमें से पिगमेंट्स निकले होंगे वो 8, 9, 10 नंबर का कोई सा भी बाल हो सकता है, येलो ही स्टोन में होगा वो। इसके अंदर आपका रेड पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कहेगा कि मेरे को बेस शेड कर दो। आपने क्या करना है उसमें, डायरेक्ट अगर आप बेस शेड लगाओगे तो वो जल्दी से निकल जाएगा, वो अलग ही चमकेंगे बाल, मतलब प्रॉपर उसमें बेस शेड आएगा नहीं। आप यहाँ से करके दोगे दो चार वॉश के बाद हो जाता है, काम खराब हो जाता है क्लाइंट के बालों का। आपने क्या करना है, प्री पिगमेंटेशन करना है, जिसका मतलब ये है हमें जो रेड पिगमेंट्स हैं वो दोबारा डिपॉजिट कर रहे हैं। इंडियन है हम, तो हमारे जो मेन पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट होता है, ये देखो रेड 5 नंबर तक रेड ज़्यादा रहता है, तो उसमें आपको रेड जो पिगमेंट है वो डिपॉजिट करना है बेस शेड करने से पहले। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैट्रिक्स, लॉरियल, स्ट्रिक्स, उसके मिक्सिंग रेशो के इक्वल आप मिलाओ और 10-15 मिनट लगा के छोड़ दो, फिर रिंस आउट कर दो, ड्रायर करो, उसके बाद 3, 4, 5 कोई भी लो बेस शेड लगा दो। एज कंपेयर कि आप बिना प्री पिगमेंटेशन करे आप कलर करते, जो स्टेबिलिटी है आफ्टर प्री पिगमेंटेशन वो बढ़ जाएगी स्टेबिलिटी बालों के ऊपर। तो आप जब भी ब्लॉन्ड हेयर पे कुछ भी करने वाले हो, एश कलर हो, पर्पल हो, पिंक हो, जो भी हो, 9-10 नंबर का भी बाल हो, अगर आपको यहाँ पे आना है तो पहले आपको प्री पिगमेंटेशन करना ही है। बाकी क्लाइंट जितना पैसा देता है उस हिसाब से काम करो। सो थैंक यू सो मच।